तो कहने का अभिप्राय है मेरे भाई बहन, दूसरों के हित में परमात्मा हमेशा, एक पत्नी के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन परमात्मा सर्वेश्वर कृष्ण परमेश्वर, उनकी 16108 हैं, लेकिन कभी भी उनके घर में क्लेश नहीं है। अब छोटे छोटे बाल गोपाल भी हो गए भगवान श्री कृष्ण के, सभी पटरानियों के बाल गोपाल हैं। अब नारद जी ने देखा ये बड़े बड़े देवी देवता आपस में लड़ जाते हैं, एक को नहीं संभाल पाते, भगवान इतनी पटरानियों के साथ में रहते हैं और इनका कभी क्लेश, देखूं तो सही आखिर ये रहते कैसे। देवऋषि नारद गए तो रुक्मणी जी का महल में गए, उनके एक प्लानिंग बनाई, जिसके पास होंगे उनसे कुछ नहीं कहूंगा, जिसके पास नहीं होंगे वहां जाकर उन भगवान को थोड़ा सा, उन रानियों को कह दूंगा उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, वहीं ज्यादा रहते हैं, तो देवी भड़क जाएंगी, लड़ाई हो जाएगी। अब ये सोचकर नारद जी गए, रुक्मणी जी के महल में गए तो वहां जाकर एक दृश्य देखा बड़ा सुंदर, कि रुक्मणी जी कन्हैया शयन कर रहे हैं और रुक्मणी जी उनके चरण दबा रही हैं। वहां से चले गए, सत्यवामा के पास जाता हूँ, वहां पे अकेले होंगे तो वहां पे सत्यवामा के जोरे होंगे नहीं तो वहां। अब सत्यवामा के महल में गए नारद जी, वहां जाकर देखा एक चौकी सजी है सोने की है, और सोने के पात्रों में सत्यभामा अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण को भोजन करा रही। जामवंती के पास में गए, जामवंती को जाके देखूं उनको कुछ कह दूं, जामवंती के यहाँ गए तो वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण जामवंती के बच्चों को, मतलब अपने बच्चों को अपनी गोद में बैठाल कर बड़ा प्यार कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय है जिस महल में गए कभी किसी के बच्चे खिला रहे, कभी किसी को उनके साथ में खुद खेल रहे, कहीं सो रहे, कहीं पा रहे। अभिप्राय जिस महल में नारद जी गए उस महल में भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे, एक भी महल ऐसा नहीं था जहां भगवान मौजूद ना हो। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तू अद्भुत है, तेरी लीला अनंत है मेरे प्रभु, इसीलिए कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत सब संता, सुनई बहु मेरी सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान श्री कृष्ण के आप देख रहे हैं जगन्नाथ प्रभु के हाथ नहीं है, देख रहे हैं ना, क्यों नहीं आप जानते, बहुत लोग जानते होंगे, आप तो प्रभु के धाम में रहने वाले हैं, आपको तो सारी स्टोरी मालूम है, लेकिन मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के माध्यम से ये जो कथा है ये सब पूरे भारत में पहुँचे, और भारत में नहीं पूरे विश्व में पहुँचे, जहाँ जहाँ आस्था चैनल देखा जा रहा है इस समय वहाँ तक मेरे द्वारा ये बात कही जाएगी और पूरे लोग सुन लेंगे। भगवान के ये कर कमल नहीं है, जगन्नाथ प्रभु के, कहते हैं प्रभु के ये अंग गिर गए, गल गए, सही है गलत है, आप लोग यहाँ के लोग मौजूद हैं, सही कह रहा हूँ ना अभी तो मैं, कि भगवान के हाथ कर कमल नहीं है, जगन्नाथ प्रभु के, बलराम जी महाराज के नहीं है, सुभद्रा के भी नहीं है, सही है ना ये बात, हाँ या ना तो कह दो, मालूम है, सिर्फ आपकी सलाह ले रहा था। एक संत के मुंह से मैंने सुना, बहुत सुंदर भाव है, दिन का समय था, कृष्ण और बलराम द्वारका की सभा में विराजमान थे, द्वारका की सभा में जब मेरे प्रभु विराजमान थे, यहां पर महलों में पटरानियां एकत्रित थी, और जब सभी पटरानियां एकत्रित थी तो कुछ रानियों ने कहा भगवान श्री कृष्ण
ब्रज की गोपियों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। आखिर गोपियों के हृदय में ऐसा कौन सा प्रेम है, कितना प्रेम करती हैं ब्रज की गोपी। जब भी देखो भगवान उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, हमारे प्राणेश्वर उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। आखिर ऐसा है क्या? तो एक आध पटरानी बोली, मैं जानती हूं कि ब्रज की गोपी कितना प्रेम और कैसा प्रेम करती है। तो सभी पटरानी बोली, सुनाओ ना, हमें भी बताओ ना कितना प्रेम करती हैं, हम भी उनसे उतना ही प्रेम करेंगे जिससे वो फिर हमें याद करें। नहीं, इस समय नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि इस समय द्वारकाधीश सभा में विराजमान है। अगर मैंने उन ब्रज की कथा कहना प्रारंभ किया तो कृष्ण बलराम हमारे प्राणेश्वर जो हैं सभा छोड़कर आ जाएंगे, वो यहां नहीं रुक, वह सभा में नहीं रुक पाएंगे। अरे तू बताना, नहीं नहीं बताओ ना, जिद करने लगी। तब सुभद्रा जी को कहा गया कि आप द्वार पर खड़ी हो जाओ, अगर कृष्ण भीतर आवे तो आने मत देना। सुभद्रा जी द्वार पर, महल के द्वार पर खड़ी हो गई। कृष्ण सभा में विराजमान हैं और यहां पर गोपियों का प्रेम वर्णन करने लगी ये द्वारका की पटरानी। और जब ये द्वारका की पटरानी गोपियों का प्रेम प्रकट कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं, व्याख्यान कर रही हैं, तो जैसे ही गोपी शब्द, पहला शब्द इन्होंने कहा, राधा शब्द कहा, तुरंत कृष्ण के श्रवणों में पड़ा। और जैसे ही ब्रज की चर्चा हुई, कृष्ण बलराम का चित्त सभा में से डगमगाने लगा। कृष्ण खड़े हो गए, साथ में बलराम भी खड़े हो गए। गोपियों की कथा बढ़ रही है आगे, प्रेम की कथा बढ़ रही है आगे, और कृष्ण के कदम बढ़ रहे हैं उस महल की तरफ जहां पर गोपियों की कथा सुनाई जा रही है। हम और आप कृष्ण की कथा हमेशा कहते हैं, लेकिन आज द्वारका में गोपियों की कथा चल रही है। कृष्ण जब द्वार पर पहुंचे तो सुभद्रा ने रोक दिया, नहीं आप भीतर नहीं जाओगे। कृष्ण बोले, मुझे जाना है, मुझे ब्रज की गोपियों की कथा सुननी है, उनके प्रेम के बारे में सुनना है। बहन तुम तो जानती हो ना कि गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं, मैं ब्रज नहीं छोड़ता अगर वो मुझसे इतना प्रेम नहीं करती, उनके जो ऋण है मेरे ऊपर बहुत है, बहुत है, बहुत है। और जब किसी ऋणी पर ऋण ज्यादा हो जाता है तो वो ऋणी उस ऋण को चुकाने में जब असमर्थ हो जाता है तो उस गांव को, उस शहर को, उस नगर को छोड़कर वहां से, ब्रजवासियों के प्रेम का ऋण मेरे ऊपर इतना बढ़ गया कि मैं उस प्रेम को चुकाने में असमर्थ हो गया और इसलिए मुझे मजबूरन वहां छोड़कर भागना पड़ा। अब ये उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं की कथा हो रही है, जरा मुझे सुनने दो बहन, मुझे सुनने दो। लेकिन नहीं, सुभद्रा ने रोक दिया और अंदर गोपियों के प्रेम की कथा हो रही है, चर्चा हो रही है। अभी तक जानती हो कृष्ण को गोपी कितना प्रेम करती हैं। उन गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए संसार की मुश्किल से मुश्किल बंधिशें, संसार की मुश्किल से मुश्किल बंधन सब तोड़ दिए। और जब से कृष्ण यहाँ आए हैं तब से सुबह को जाती हैं, अंधेरे में चली जाती हैं जमुना के तट पर, और सारा दिन जमुना पर बैठे बैठे कृष्ण के विरह में वो गोपियाँ रोती रहती हैं, बिलखती रहती हैं। और रात जब शाम होती है, शाम का अंधेरा ढलता है, तब प्रवेश करती हैं, अपने ब्रज वापस आ जाती हैं। सर्वेश्वरी श्री राधा, ब्रज की गोपियां, मिलन मात्र 11.5 वर्ष का, बिछो पूरे 100 वर्ष का, वो 100 वर्ष चल रहे हैं। कृष्ण ने मुड़कर नहीं पूछा, लेकिन गोपियां कभी कृष्ण से मिलने की इच्छा भी नहीं रखी। कृष्ण के विरह में रोना तो पसंद है, लेकिन कृष्ण से चलकर मिलना, मथुरा जाना पसंद नहीं।
नारद पहुंचे ब्रज में, नारद ब्रज में पहुंचे, ब्रज में पहुंचे, गोपियों के पास पहुंचे, जमुना के तट पर पहुंचे, जमुना के तट पर पहुंचे, जमुना के तट पर पहुंचकर गोपियों से पूछते, गोपियों तुम सारे दिन यहां बैठकर रोती रहती हो, कृष्ण को याद करती रहती हो, अरे मथुरा कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, क्यों नहीं एक बार जाकर कृष्ण से मिल लेती, जाओ एक बार मथुरा जाकर मिल लो। एक गोपी बोली, नारद जी हम ठहरी ग्वालनी गमार, हमें कुछ भी तो नहीं आता, हम वहां ब्रज मथुरा में चली भी जाएं और कृष्ण मथुरा के राजा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से लोग उन पर उंगलियां उठा। एक बात सुन लो, जितना आनंद कृष्ण के विरह में रोने में है ना, उतना आनंद कृष्ण से मिलने में नहीं है, उतना आनंद कृष्ण से मिलने में नहीं है। जितना आनंद है ना कृष्ण के विरह में रोने में, उसकी एक एक लीला याद करने में, एक एक उन्होंने हमारे हाथ से माखन छीन छीन के खाया है, हमारे घर में चोरी की है उसने, हमसे लड़ता था, हमसे झगड़ता था, हमारे आगे नृत्य करता था, हमें बुलाने के लिए बंसी बजाता था। जब एक एक बात याद आती है, एक एक लीला याद आती है, तो रोना और बढ़ जाता है और रोने के साथ साथ आनंद भी बढ़ जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण हमारे सामने है। नारद जी कहते हैं, हे गोपियों तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा को मेरा बार बार प्रणाम है, इतना प्रेम तो कोई भी नहीं कर सका जितना प्रेम तुम अपने कृष्ण से करती हो, बार बार प्रणाम है। कोई भी ब्रजवासी गोपियों से नहीं पूछता तुम काम क्यों नहीं करती हो, क्योंकि वो ब्रजवासी भी कृष्ण विरह में दुखी है। आज आज बोलिए ना साहब, ये क्या प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं? आज कोई हमसे नहीं बोला तो कल उसको छोड़ के तीसरे से बात करे, चौथे से शादी हो जाए, ये प्रेम है? प्रेम इसको कहते हैं कृष्ण चले गए, ब्रज की गोपियां चाहती हैं हमारी वजह से कोई उन पर उंगली ना उठाए। ये कथा बीच में चल रही है, गोपी गीत गोपी कथा चल रही है, और गोपी कथा जब चल रही है मेरे भाई बहन, कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगा, सबुद्रा रो के खड़ी है, प्रेम में इतने बेहुअल हो गए गोविंद कि उनके अंग जो है प्रेम में गलने लगे, धीरे धीरे उनका अंग पिघलने लगा, ये हाथ पांव गलने लगे। और तब से ये हमारे जगन्नाथ प्रभु नारद जी महाराज आए, उन्होंने देखा, मेरे प्रभु आपका ये क्या क्या स्वरूप बना लिया है, हे प्रभु आप तो वैसे भी जगह में सुंदर हो, इस बात की तो कोई बात नहीं, आज से आपको लोग जगन्नाथ के नाम से जानेंगे। और तब से हमारे जगन्नाथ प्रभु का ये हाल है। बोलो जगन्नाथ प्रभु की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सोचिए कितना अद्भुत प्रेम रहा होगा गोपियों का, जिनके प्रेम को श्रवण करके भगवान का ये हंस रोगे। उसी प्रेम की कथा को अगर आप बार बार सुने, बार बार सुने, तो मैं गारंटी से कहता हूं गोपियों की बराबर तो नहीं, लेकिन गोपियों से थोड़ा बहुत प्रेम हमको जरूर मिल जाएगा, और वो थोड़ा बहुत प्रेम ही हमारा बेड़ा पार कर देगा। थोड़ा बहुत ही मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब गोपी बनना तो मुश्किल है ना, वो द्वापर युग में आई थी अंत में, और हम तो कलयुग में आ गए प्रारंभ में ही, तो कलयुग में और द्वापर में कुछ तो फर्क होगा। हम लोग तो भगवान की पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, तो स्वार्थ से भगवान मेरा नाम करवा देना, देख तेरा नाम हो जाएगा, मैं बहुत तेरा भंडारे करवा दूं। 23 कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन ये सच है, मांगना ही है तो भगवान से मांगो, दुनिया से क्या मांगना है। और वैसे भी दुनिया वाले कभी किसी को कुछ देते हैं क्या?